जी बिल्कुल, मुलब बढ़ती तरह विहाड़ी थे चार कौमी और आठ सूबाई समतों में गैर मुसद्दा इतलात के साथ गैर हतमी नतज के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं और वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार भी चार कौमी समलों में एलते एन एस 56 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे याफ्ता आशा नज़ीर जट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते नज़ीर अहमद राई तो हराया है। इसी तरह एन एस 57 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते साजिद मेहदी ने कामयाबी हासिल की है। वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे याफ्ता सबीन हार दी हैं। इसी तरह एन एस 58 में जो सबसे अहम हलता समझा जाता था वहाँ पर 1-to-1 मुताला मोतमा तमीनाना जो मुस्लिम नून की हमारे याफ्ता थी और पाकिस्तान तरीके याफ्ते तरीके इंसाफ थे हमारे याफ्ता आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले ताहिर पाल चौधरी का था। रात जो रिजल्ट आता था वहाँ पर ताहिर पाल चौधरी जीतते नजर आए थे 12,000 की लीड से, लेकिन आज सुबह उनका अचानक रिजल्ट रोक दिया गया है। रिटर्निंग फीसद के मुताबिक वहाँ पर 7 से 8 हलकों में अभी तक रिजल्ट अभी हमारे सामने नहीं आया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट रोता गया है। एन एस 59 में जो मैलसी शहर है वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमारे याफ्ता उम्मीदवार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप दिया है। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे हमारे याफ्ता थे साबित MNA भी थे औरंगजेब थी, उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे सईद खान मनेस जो साबित स्पीकर पंजाब असम्बली भी थे उन्होंने हराया। इसी तरह दो सूबाई असम्बलियों में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ज़िला विहाड़ी थे 8 सूबाई हलकों में भी ये पोजीशन अभी तक वाजिया नहीं हो सकती, 23 सीटों में मुस्लिम नून आधे है और 23 पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ज़िला विहाड़ी थे जो एन एस 58 है वहाँ पर जो सूबाई असम्बली दो हलते हैं एन एस 233 और 234 233 में सादत रशीद मुस्लिम नून थे टिकट होल्डर थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे जो हमायत याफ्ता थे राय ज़हूर अहमद फरक। इसी तरह 234 में पाकिस्तान मुस्लिम नून थे नईम खान बाबा ने कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे हमायत याफ्ता सलमान बाबा थे वो और वहाँ पर दूसरी हैसी आज़ाद हैसी से लड़ने वाले मोहम्मद खान थिची भी दोनों से वो कामयाब हासिल हुए हैं। ज़िला विहाड़ी में सूरत अभी रात तो अचानक कुछ और थी, अब सुबह कुछ और हो रही है। कई हलकों में इलेक्शन तो रिजल्ट रोता दिया है जिसकी वजह से उम्मीदवारों और उनके सपोर्टरान में बेचैनी पाई दी है। रिटर्निंग फीसद में रश बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर रिटर्निंग फीसद जब हमारी बात हुई एन एस 58 रिजल्ट के बारे में तो उनका कहना था कि कुछ ऐसे हलते थे जहाँ पर 7 से 8 हलकों में जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट थे या जो पोलिंग तामला था वो रात रिजल्ट देने से पहले ही हमें रिजल्ट ना दे सकता और जाते सो दिया, ये तो ऐसी गलती है जिसकी वजह से उन्होंने इस पर तारवी भी की है। पास ज़िला विहाड़ी में 83 सूरत हाल है, 83 सीटों पर कौन जीतेगा ये अदा करते रहते, लेकिन फिलहाल की सूरत हाल में अभी मुस्लिम नून और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमारे यहाँ पर उम्मीदवार 1-to-1 पोजिशन में जा रहे हैं।